हर होटल और रेस्टोरेंट में एक कॉमन रेसिपी ज़रूर होती है और वो है पनीर बटर मसाला की रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल होटल जैसी रेसिपी लेके आई हूँ, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर। बटर और तेल एक साथ डालने पर बटर जलता नहीं है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 1 से 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। इसे हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है और फिर डाल देंगे हम इसमें 5 से 6 लहसुन, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और अब डाल दीजिए इसमें प्याज। तो ये 2 बड़ी प्याज है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। इसे भी लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे, ज़्यादा हमें प्याज को भूनना नहीं है। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लगभग 3 टमाटर जिसे मैंने काट लिया है। और अब इसमें टमाटरों को गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे मिक्स करके ढक देंगे। तो ये जो मसाला फ्रेंड्स तैयार होने वाला है, ये बहुत ही लाजवाब है, फटाफट से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, तो इन्हें बुझा देंगे और बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। तो ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो इस मसाले को आप किसी भी तरीके की पनीर की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है। अब कढ़ाई में डाल देंगे हम लगभग 2 चम्मच बटर, और जब बटर गल जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है। और तुरंत ही हमें इसमें ये पेस्ट डाल देना है जो हमने प्याज और टमाटर का बनाया था। तो फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद तुरंत पेस्ट डाल दीजिए, नहीं तो मिर्च बहुत जल्दी जल जाती है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और इन सबको मिक्स कर देंगे और इसे बंद करके थोड़ी देर तक पका लेंगे। तो अब ढक्कन हटा लेते हैं, मसाला यहाँ पे अच्छे से पक गया है और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो मिक्सी के जार में मैंने पानी डाला था क्योंकि उसमें बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच क्रीम। तो क्रीम डालने से क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बटरी और मखमली सा बनेगा। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई फेंट करके डाल सकते हैं। इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और अब डाल देंगे इसमें नमक और साथ में थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीखा और वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा मीठा सा होता है। तो अब लास्ट में इसमें डाल दे रही हूँ मैं पनीर के क्यूब्स। अच्छा, पनीर के क्यूब्स यहाँ मैंने फ्राई नहीं किए हैं। और ये देखिए 2 मिनट और हमने पका लिया है। इस पे डालिए ढेर सारा हरा धनिया और हमारा पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल वेलवेटी मखमली जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं वैसे ही बना है। एकदम ऐसे ही आप बना करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस रेसिपी है। मैं यहाँ इसे राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे कुछ नई यम्मी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।